अब तक आपने देखा ये बदलाव ला पाना, अपनी मेहनत से किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाना, ये होती है असली सत्ता की निशानी। आपसे ना कुछ नहीं होने वाला, और आपके साथ रहकर ना हमारे दिमाग में भी जंग लग जाएगा। दूध तो पी लो। अरे नहीं चाहिए दूध। आप जाइए यहाँ से। लाकर लाकर हम आपके लिए कपड़े निकाल देते। अब देखिए आगे। आपका कुर्ता। बात को अनसुना करना, कोई तुमसे सीखे। सुनना तो है नहीं तुमको, हाथ में चोट लगा है, डॉक्टर ने कहा कि आराम करो, लेकिन नहीं, अपना काम हम खुद कर सकते हैं। रात बहुत हो गया है, सो जाओ। लाखन ठाकुर सच में हमसे बहुत नाराज। बचपन से लेकर आज तक हम उनको कभी समझ ही नहीं पाए, लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे उनके मन को टटोलने की। ए दुलाई बिंदिया, अरे सो गई का? देखिए दुलाई, अरे आप इतनी रात को मच्छर की तरह कान में भिन भिना कह रही हैं? इतनी मुश्किल से नींद आई थी, आंख खोल दी हमारी, का है? तुम जैसे सो सको इसी का तो प्रबंध करके आ रहे हैं। का करके आ रही हैं? ऐसा प्रबंध किया है ना, आज लाखन के हाथों पूनम पिट कर रहे हैं। अच्छा कैसे? अरे तुम बस लेटी रहो और अपना कान जो है खुला रखो, जैसे ही पूनम की चीख पुकार से ये घर जाग जाएगा ना, हमारा मिलन भी कामयाब। अच्छा फिर ई देखने के लिए तो हम जरूर जाएंगे। वही तो, वही बताने के लिए तो आए हैं। बस बस देखती जाओ, मतलब सुनती जाओ। इतना सन्नाटा काहे है भाई? अभी तक चूहों ने तांडव काहे नहीं मचाया?
अरे उठो उठो, अरे होश में नहीं हो तुम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कुछ एहसास नहीं होता तुमको? हुआ क्या? अरे कहीं कहीं काटा तो नहीं ना? क्या काटा? अरे कहीं काटा तो नहीं ना? क्या काटा? तुम्हारे चेहरे के सामने इतना बड़ा चूहा है। चिकित दुल्हन। चूहा चूहा कहाँ से आ गया कमरे में? हाँ डरो मत, डरो डरो मत, हम हमें ना ठीक है ना, डरने की क्या बात है, इसमें तो चूहा ही है, कोनो भूत थोड़ी ना कि हम डर जाएंगे। वो देखो बिस्तर पे चढ़ रहा है। सच पूछे कि हमारा काम बता, अभी तक तो चीखता पुकार का बाहर आ जाना चाहिए था, लाखन भी कुछ बोल नहीं रहा है, हो कर रहा है। देखेगा एक बार झांक के, तुम यहाँ पे इतना चूहा कहाँ से आ गया है? अरे देखो तो, अरे बताओ खिड़कियां खुली हुई, कितनी बार बोले हम तुमको हैं कि खिड़की दरवाजा शाम होते ही बंद कर दिया करो, एक नहीं मानोगी हमारी, बताओ हैं? कैसा सत्यानाश हो गया, अब क्या होगा? बात नहीं समझ, दे दी सजा हमारे बेटे ने दुल्हनिया को, खूबसूरत मेरे फूटी किस्मत, चूहेदान में चूहा पकड़ना ना आसान था इससे, हमारे बेटे का मिजाज समझना हमारे बस की बात नहीं। मैया था आपका धमाकेदार प्लान, आप तो पूनम को पिटवाना चाहती थी ना, और पूनम को पिटवाने के बजाय सीधा लाखन की गोदी में बिठवा दिया। क्या करते हम, जब भी कोई प्लान करते हैं फ्लॉप हो जाते हैं, तो इसीलिए तो कहते हैं हम प्लान मत किया कीजिए, आप जितना हम कहते हैं ना उसे बस फॉलो किया कीजिए। तो फॉलो करेंगे ना, और कौन सा चारा बचा है हमारे पास, हमारे किस्मत में ना पूनम पर काबू पाना लिखा ही नहीं। अरे सासू माँ अपनी किस्मत को मत कोसिए, उस पुनमिया की किस्मत को कोसिए, बेचारी उस घर में बहू बनकर आ गई जहां हम सनी बनकर बैठे। अब आप ना यहीं इन चूहों के बीच में बैठिए और सोइए, हम जा रहे हैं।
ये आप क्या कर रहे हैं? लाखन ठाकुर, देख रहे हैं कहीं चूहे ने काटा तो नहीं? काटा का तुमको कुछ पता है? चूहा जब काटता है, जहां काटता है ना वहां पे अपना लार छोड़ देता है, तो जगह कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती है, तो पता नहीं चलता कि काटा है कि नहीं। एक बार देख ले हम। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, पैर में नहीं काटा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहाई सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहाई सुलझे। तुम लड़कियां भी अजीब होती हो, इतना छोटा सा चूहा देखकर पूरा आसमान सर पे उठा लेती है, और तुम्हारे सामने इतने सारे चूहे मंडरा रहे, तुमको होश ही नहीं है? ऐसे गाय देख रही हो? मुस्कुरा कह रही है? ऐसे तुमको वो कमरे में तुम्हारे चीखने पे हम चौंक गए थे, चूहे से हमको डर नहीं लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने चोरी पकड़ ली हो, कहीं पूनम ने हमें चूहों से डरते हुए तो देख नहीं लिया? देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? अब कहे मुस्कुरा रहे? ऐसे अच्छा, सुबह तक सारे चूहे गायब हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल रात तो लगता है छत पे ही गुजारनी पड़ेगी। हम ना बिस्तर लेके आते हैं।
लेकिन आप कहाँ सोएंगे? अंदर कमरे में तो चूहे हैं। देखिए, देखा आपने योजना का नतीजा? अब तक पूनम लाखन की गोद में चढ़ी हुई थी, अब उसके कंधे को तकिया बनाकर सोने वाले। अरे मती मारी गई थी हमारी, मानते हैं छोटी दुल्हन, हमसे हमसे गलती हो गई। अच्छा ठीक है, मुंह लटका कर मत खड़ी रही, जाइए सो जाइए और हमें सोचने दीजिए कि आगे क्या करना है। जाइए। चलो पूनम ठकुराइन, जी लो अपनी जिंदगी अपने पति की बाहों में, इस चांदनी रात का मजा ले। चलो आज की रात तुम्हारी रही, लेकिन कल का सवेरा तो हमारा होगा।